आइए आइए। सो कुछ नहीं, अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा नया चैनल है और हमने उसमें हम पूरी जान से कर रहे हैं। और जब कोई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब सोनू निगम जैसा नाम जुड़ जाता है तो ऑब्वियसली आपको हिम्मत आती है कि एक नई चीज़ जो आप करने जा रहे हो उसमें जो आपके आपकी लाइन के आपकी इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं अगर वो लोग साथ में आप पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको अपने आप पे भरोसा और हो जाता है कि चलो हम कुछ अच्छा शायद करने जा रहे हैं। तो और इन्होंने हमेशा पहले दिन से जब हमारा सबसे पहला जो बड़ी फिल्म का पहला गाना था शर्ट द बटन, तब भी हम सोनू भाई के पास गए थे, तब भी इन्होंने गाया था और तब भी मैं हमेशा बोलता हूँ फ्री में गाया था। हम लोग न्यू कमर नहीं बात है, न्यू कमर्स थे। तो कितने सिंगर्स ने तो हमें गाना सुन के मना कर दिया था, बोले ये तो मजाक है। इन्होंने गाया और इतनी शिद्दत से गाया कि वो आज तक गाना हमारा फेवरेट है, वो वन ऑफ द बेस्ट लव सॉन्ग्स दैट वी हैव डन। एंड माय पर्सनल हार्टफेल्ट फीलिंग अबाउट सोनू जी इज कि आजकल लेटली इन्होंने कुछ ऐसा लाइफ में डिसाइड करा है कि बहुत चूजी काम करते हैं, ही इज वेरी सिलेक्टिव विच ही आपको पता ही है। हाँ, आपको सब अभी पता ही है कि अभी ही इज बिकम वेरी चूजी एंड आफ्टर दैट इफ ही इज डूइंग अ सॉन्ग हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। एंड और ऑब्वियसली ये इनकी इतनी आजकल की जो मॉडर्न ख्यालात हैं कि कुछ नया करते हैं, दैट्स व्हाट इज आल्सो ड्राइविंग अस कि हमारे पीछे पड़े कि कुछ नया क्रिएट करते हैं, लेट्स ब्रिंग समथिंग फॉर द यूथ। सो व्हिच इज ग्रेट अबाउट दिस आर एंड आई ट्रस्ट यू दैट यू हैव द करेक्ट नॉलेज एंड यू हैव द ग्रैब ऑन द पल्स ऑफ द यूथ ऑफ द यूथ। वी हर्ड यू सेइंग दैट। सो एक्चुअली क्या होता है, मुझे इंडस्ट्री में आए हुए 27 साल हो गए और मुझे फेमस हुए 26 साल हो गए। गुड वन। और मुझे स्टेज पर गाते हुए 41 साल हो गए, मेरी उम्र 45 है और मैं 4 साल की उम्र से गा रहा हूँ स्टेज पे। तो एक पॉइंट के बाद में एक्चुअली मेरे रिटायरमेंट टाइम होना चाहिए फ्रैंकली। 40 ईयर्स ऑफ वर्किंग हार्ड थ्रू आउट माई लाइफ इज अ प्रोफेशनल, 41 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद में इंसान को काम करना चाहिए वहाँ जहाँ पे दिल मिलते हो, जहाँ आपको कुछ अच्छा करने का मौका भी मिल रहा हो और साथ ही साथ वो जो जर्नी है वो जर्नी भी तो इंजॉयबल होनी चाहिए ना। अगर हम गाने बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में जो घट रहा है वो बहुत बुरा घट रहा है। अगर वो जो घट रहा है वो बहुत बुरा घट रहा है तो फिर ठीक नहीं है फिर मेरे ख्याल से। इनकी बात से हम सहमत हैं क्योंकि रियलिटी यही है कि इवेंचुअली हर आदमी पैसा कमाता है और नाम कमाता है हैप्पीनेस के लिए। हाँ, और अगर काम करते वक्त अगर खुशी ना हो, एक अंडरकरंट कॉम्पिटिशन और एक अलग नेगेटिव फीलिंग हो तो इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है कि यू नो। और एक्चुअली जब इंसान एक तरीके से कुछ महसूस करता है तो उसके आसपास वैसे ही लोग आ भी जाते हैं, अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो ये भी वैसे सोच रहा हूँ इसलिए मैं आया, मैं भी सोच रहा था इसलिए मैं, ये लोग मेरे पास में आए। सो इट्स अ गिव एंड टेक। नहीं, और ये हमारे लिए एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि देखिए अब ये कह रहे हैं कि और इन्होंने फील किया कि शायद इसमें कोई अलग बात है, लेकिन जितना इन्होंने गाने जितने गाए हैं और जिस वैरायटी के गाए हैं तो कुछ अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा कोई नई चीज़ नहीं क्रिएट कर सकते जो इन्होंने नहीं गाई हुई है। बट ये है कि हमारी एक जो एक थोड़ी पंजाबी वाली जो एक वाइब है, मस्ती वाली है, वो एक वाइब अलग है, वो वाइब मजा आता है मुझे। और हमारी अप्रोच यही है कि ऐसे ही हम MB म्यूजिक को इन्होंने इसलिए भी सपोर्ट करा बिकॉज इट्स अ वेरी जेन्युइन एफर्ट, इट इज़ अ कंपनी विच इज़ बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक सिंगर्स की कम्युनिटी है और अब इट्स हाई टाइम कि सब साथ में आके एक साथ कोलैबोरेशंस करें। और ये सोनू जी की भी कंपनी है, ही इज सपोर्टिंग अस, ही कैन ओपन 10 कंपनीज लाइक दिस। बट आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट आप लोगों की जो आप भी शिद्दत से लगे हो इस चीज़ में भी, मुझे बड़ी खुशी है। एंड एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, ये तो बिगिनिंग है, मैं उन्हें चाहा तो आगे और भी। जी जी जिंदगी। हाँ, मैं ज़रूर, अभी तो पहला कदम रखा है हमने, आगे अभी तो इनके साथ में काम करें फिर ये मेरे साथ काम करेंगे। अपने बिना इनको कुछ करने नहीं देंगे आप। इसलिए यस यस। मैं ज़रूर कहूँगा, पर इस समय अगर मैंने ये कुछ कहा तो आप वो रखेंगे, ये दिखाएंगे नहीं, इसलिए मैं बाद में दिखाऊंगा, इस बारे में बाद में बात करूँगा। मैं ज़रूर इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा एंड आई प्रॉमिस यू मैं इस बारे में बात करूँगा, लेकिन आज नहीं करूँगा क्योंकि फिर आप ये काट देंगे, ये दिखाएंगे फिर। ज़रूर ज़रूर। हाँ, नवरात्रों के लिए जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 9 दिन में एक्चुअली पता नहीं क्योंकि मैं अभी रात को जा रहा हूँ, मेरे वाइफ के जो फादर हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो मुझे आज रात को ट्रैवल करना है। तो अभी नवरात्रि कैसी बीतेंगे मुझे नहीं पता। आइए ज़रूर। Thank you.
थैंक यू।